सॉरी मीना, मुझसे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम सॉरी। दानियाल, दानियाल प्लीज ऐसा मत कहो। जिस दिल में मोहब्बत होती है ना, उस दिल में बदगुमानी कभी हो ही नहीं सकती। मैं चाहती हूँ कि तुम दानियाल से शादी करो। मैं चाहती हूँ कि तुम दानियाल से शादी करो। क्या सोच रही हो जवीरिया? कुछ नहीं। आई नो, तुम यासिर के बारे में सोच रही हो ना। देखो जवीरिया, हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप ऐसा होता है कि अगर उनमें से एक भी खफा हो जाए सो पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है आपकी। मेरे और मिनाहिल के रिलेशन को ही देख लो। बट अब अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। सो ऐसा लग रहा है जैसे हमारी ज़िंदगी में सुकून आ गया हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे और यासिर के बीच में भी सब कुछ ठीक हो जाए। आप मिनाहिल के साथ खुश हैं? ऑब्वियसली यार, इनफैक्ट मेरी दुआ है कि अल्लाह हमेशा मुझे उसके साथ रखे। जवीरिया, अगर तुम कहो तो मैं यासिर से बात करूं? नहीं, मैं खुद यासिर से बात कर लूंगी। श्योर? जवेरिया, मैं सोच रही थी हम दोनों साथ शॉपिंग पर चलते हैं, बहुत मजा आएगा। कितना टाइम हो गया यार हम साथ शॉपिंग पे ही नहीं गए, और इसी मारे तो आप मूड भी ठीक हो जाए। अब अगर तुम कहो तो हम मनाही को भी साथ ले लेते हैं, हम तीनों मिलकर खूब शॉपिंग करेंगे, क्या कहती हो? मानूर, तुम लोग चले जाओ, मेरा मूड नहीं है। क्या हो गया जवेरिया, तुम बहुत डिस्टर्ब लग रही हो, कोई बात है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे कैसे कुछ नहीं यार, तुम बहुत परेशान लग रही हो। जवेरिया, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना, तुम उससे तो शेयर कर सकती हो अपनी परेशानी। चलो शाबाश, मुझे जल्दी बताओ क्यों परेशान हो? यासिर ने कुछ कहा है या फिर मनाहिल की कोई बात बुरी लग गई? नहीं मानो, ऐसी कोई बात नहीं। क्यों तंग कर रही हो तुम जवेरिया को? मामा, मैं ऐसे तंग नहीं कर रही हूँ, देख रही हूँ ये बहुत परेशान लग रही है, तो बस वो ही पूछ रही हूँ उससे। अच्छा चलो जाओ, मेरे लिए और जवेरिया की अच्छी सी चाय बना के लाओ। ठीक है, मैं भी बना के लाती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? मुझे तुमसे कोई बात करनी है जवेरिया। बड़ी मामा, मैं अच्छे से जानती हूँ आपको मुझसे क्या बात करनी है। मैं दानियाल से शादी नहीं कर सकती, ये पॉसिबल नहीं है। और प्लीज आज के बाद इस तरह की बात मुझसे मत कीजिएगा। कम इन, आओ जवीरिया बैठो। मेरा एक छोटा सा काम कर देंगे? हाँ बोलो। मुझे मेरे घर जाना है, प्लीज मुझे छोड़कर आ जाएं। जवीरिया, इस वक्त क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है तुमसे? किसी ने कुछ नहीं कहा, आप बस मुझे घर छोड़कर आ जाओ। चलो छोड़ देता हूँ, बस एक मिनट मामा को बता दूंगा। नहीं प्लीज, बड़ी मामा को मत बताइएगा। मैं नहीं चाहती कि बड़ी मामा को पता चले कि मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। मगर क्यों जवीरिया, तुम चली जाओगी तब भी मामा को तो पता ही चल जाएगा ना। तुम उनसे मिले बगैर जाना चाह रही हो? हाँ। सब ठीक तो है ना, हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है। आप प्लीज मुझे मेरे घर छोड़कर आ जाएं। नहीं छोड़कर आ सकते तो बता दे, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। अच्छा
मैं छोड़ देता हूँ, तुम रेडी होकर आ जाओ, मैं बस गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। अरे कौन है भाई? छिरे तुम? इतना हैरान होने वाली बात क्या है यासिर? नहीं, मेरा मतलब है कि तुमने आने से पहले ना फोन किया ना बताया, अचानक से आ गए। मेरा घर है ये, मैं जब चाहे आ सकती हूँ। अब हटो यहाँ से, अंदर जाना है मुझे। दीदी आपकी चाय। अच्छा फरजाना जी, जरा जवेरिया बीबी को कहना कि आपको बड़ी मामा बुला रही हैं। फरीन बीबी, जवेरिया बीबी तो चली गई हैं। चली गई? कहाँ चली गई है? मैंने उनको बैग ले जाते हुए देखा था, शायद वो अपने घर चली गई हैं। घर चली गई है अचानक? अच्छा जाओ मेरा फोन लेके आओ। जी अच्छा। मुझे बताए बगैर चली गई। कहीं दानियाल की बात पे तो फरजाना जल्दी लेके आओ फोन। यासिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुम मेरे यहाँ आने से खुश नहीं हुए? तुम्हारा ही घर है जवेरिया, इसमें खुशी या गम की क्या बात है? मुझे अच्छा लगा कि तुम आ गए। वैसे मुझे एक बात की हैरानी है। किस बात की हैरानी? कि तुम इस तरह अचानक कैसे आ गई? मुझे तो लगा कि तुम हमेशा हमेशा क्यों चली गई हो। जवेरिया बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम दानियाल से शादी करो। कहाँ खो गई? क्या सोच रही हो? नहीं कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। अब और कितना रह सकती थी मैं वहां पर? तुम भी मुझे लेने के लिए नहीं आए। मुझे तो लगता है तुम मुझसे मोहब्बत करते ही नहीं हो। अम्मी का गुस्सा तो तुम जानती हो, तब मैं उनको नाराज करके तो तुम्हें लेने नहीं आ सकता था। तुम्हारी जिंदगी में अम्मी अब्बू के अलावा कुछ अहम नहीं है? तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है यासिर? तुम यहाँ मुझसे लड़ने आई हो क्या? तुम यहाँ क्यों आई हो? इज्जतदार घराने की लड़कियों के ये चाल चलन नहीं होते कि रात के इस पहर मुंह उठाकर घर चली आई। पर अम्मी, ये मेरा ससुराल है, क्या अपने ही ससुराल में आने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत है? ससुराल में रहने के कोई तौर तरीके होते हैं जो तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें नहीं सिखाए। ये मेरी ही मत मारी गई थी कि मैंने अपने बेटे की शादी तुम जैसी लड़की से कर दी। यासिर, तुमने देखा मैं क्या कह कर गई है और तुमने कुछ नहीं कहा?
ठीक ही तो कह रही हैं वो। तो क्या तुम भी ऐसे ही सोचते हो? क्यों ऐसी बातें करके अपना और मेरा मूड खराब कर रही हो? अम्मी ने मेरे लिए बड़ी तकलीफें उठाई, अब मैं नहीं चाहता कि इस उम्र में उनको और तकलीफें दूं, खास तौर पर तुम्हारी वजह से। सुबह मुझे ऑफिस जाना है, बहस करने का तो कोई फायदा है नहीं, चल के सो जाते हैं। ये लो दानियार, ये रही तुम्हारी चाय। थैंक यू, एक मिनट बैठो। ऐसा करते हैं आज की बाहर चलते हैं मिनाइल। बाहर कहाँ? कहीं खाना खाने चलते हैं। तायमी को बुरा लगेगा दानियार, तुम्हें पता तो है उन्हें तुम्हारा और मेरा साथ जाना अच्छा नहीं लगता। तुम उनकी फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा उन्हें। हम एक काम करते हैं ना, हम उन्हें साथ ले चलते हैं। पागल हो गई हो क्या यार? मेरा इस वक्त तुम्हारे साथ जाने को दिल कर रहा है। अब मेरा चेहरा क्या दिख रही हो? जाओ जाके रेडी हो जाओ, मैं मामा को बताकर आ रहा हूँ। दानियाल रुको, वो जब से जबेरिया गई है ताइमी का मूड बहुत ऑफ है। मामा भी अजीब है यार, इनफैक्ट उन्हें तो खुश होना चाहिए कि जबेरिया अपने घर चली गई। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हम आज नहीं चलते, किसी और दिन चलेंगे। हम आज जाएंगे हर हाल में। तुम क्या कहोगे ताइमी को? यार मैं कुछ भी कह दूंगा, तुम इतना क्यों सोचती हो? इतना मत सोचा करो, जाओ रेडी हो, मैं आ रहा हूँ बस। इज्जतदार घरानों की लड़कियों के ना ये चाल चलन नहीं होते कि रात के इस पहर मुंह उठाकर घर चली आई। ससुराल में रहने के कोई तौर तरीके होते हैं जो तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें नहीं सिखाए। ये मेरी ही मत मारी गई थी कि मैंने अपने बेटे की शादी तुम जैसी लड़की से कर दी। देखा मैं क्या कहकर गई है और तुमने कुछ नहीं कहा? ठीक ही तो कह रही है मैं। तो क्या तुम भी ऐसे ही सोचते हो? क्यों ऐसी बातें करके अपना और मेरा मूड खराब कर लिया? अम्मी ने मेरे लिए बड़ी तकलीफें उठाई, अब मैं नहीं चाहता कि इस उम्र में उनको और तकलीफें। क्या हुआ मामा, आप किसे कॉल कर रही हैं? जवेरिया को कॉल कर रही हूँ। देखो ना, बताए बगैर चली गई, अब पता नहीं वो लोग क्या सलूक कर रहे होंगे। मामा मुझे लगता है जवेरिया ने बिल्कुल ठीक फैसला किया, काफी दिनों से वो बहुत परेशान लग रही थी। बिल्कुल गलत लग रहा है तुम्हें, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग बच्चे हो, ये बातें नहीं समझते हो। मामा। हाँ बोलो दानिया, कोई काम था? मामा मैं मिनाइल को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। सब खैरियत तो है ना दानियाल भाई? मिनाइल की तबीयत तो ठीक है? हाँ हाँ मिनाइल की तबीयत ठीक है, वो मेरा फ्रेंड है, उसकी वाइफ एडमिट है, सो उसे देखने के लिए जाना है। तो मिनाइल का जाना जरूरी है, तुम अकेले चले जाओ। हाँ मैं खुद कैसे जा सकता हूँ, मेरा फ्रेंड थोड़ी एडमिट है, उसकी वाइफ एडमिट है, सो मिनाइल को लेके जाना पड़ेगा, बट हम लोग जल्दी आ जाएंगे। और रात के खाने का क्या होगा? मामा को मैं देख लूंगी, आप परेशान ना हो। जाओ। इजाजत लेने आए थे या बताने आए थे? जाओ।
जाओ अब खाने की तैयारी करो। वालेकुम अस्सलाम। दानियाल घर से निकल गया। मुझे एक एक लम्हे की खबर चाहिए, कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है, सब कुछ। समझ आई तुम्हें? कोई गलती ना हो। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी तुम्हारी अपडेट का। खुदा हाफिज़। ऐसे क्या देख रहे हो दानियाल? बहुत दिनों बाद हम लोग आउटिंग पर आए मेरा भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन दानियाल तुम्हें ताई अम्मी से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। देखो, मेरे और तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं पता कि हम हॉस्पिटल में नहीं हैं, रेस्टोरेंट में। और तुम अब तक वो सोच रही हो यार? फिर भी ऐसे झूठ बोलना अच्छी बात थोड़ी है। अगर मामा को बताता तो क्या वो हमें यहाँ आने देती? तुम खुद भी परेशान हो रही हो, मुझे भी परेशान कर रही हो। ये बताओ ऑर्डर क्या करना है? कुछ भी कर लेते हैं लेकिन थोड़ा जल्दी, अगर देर हो गई तो ताई अम्मी को शक हो जाएगा। अच्छा कर देता हूँ ऑर्डर, लेकिन एक बात बताओ मुझे, तुम वाकई में खुश नहीं हो ना? ऑब्वियसली खुशी हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ दानियाल। मुझे लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि हम हमेशा खुश रहें, एक साथ रहें, इसी तरह। बस फिर ठीक है, इसके बाद हम सी साइड पे भी चलेंगे। अभी चले जाएंगे, पहले ऑर्डर तो कर लो। ओके मैम। एक्सक्यूज मी, ऑर्डर लिख लो। हेलो मैडम, शौहर की पसंद से कुछ नहीं होता। अगर तुम अपनी ससुराल वालों की पसंद होती तो तुम्हारा मियां भी तुम्हारे काबू में रहता। तुम समझ रही हो ना? इस घर में तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी अगर तुम दानियाल से शादी कर लो, और फिर मैं हूं ना तुम्हारी सपोर्ट के लिए। चाहे सौतेली हो मानता।